हाई एवरी वन रिसेंटली आपने न्यूज में पढ़ा होगा इससे पहले हमने कार्बन न्यूट्रलिटी के बारे में हमारी वीडियोस में बात भी करी है और हमने ये भी बोला था कि इंडिया में एक प्राइवेट मेंबर बिल भी लाया गया था पार्लियामेंट में जो कार्बन न्यूट्रलिटी इट वाज सेड कि इंडिया 2050 तक 2050 तक इंडिया को एक कार्बन न्यूट्रल कंट्री होना चाहिए यूरोपियन यूनियन ने 2060 का आई थिंक 2050 का टारगेट लिया है चाइना ने भी ले लिया है बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं दे आर आल्सो टेकिंग अ टारगेट ऑफ कार्बन न्यूट्रलिटी तो क्या इंडिया को इस रेस में वाकई में शामिल होना चाहिए या सिर्फ एक मिथ है मतलब लाइक इट इज लाइक अ पीयर प्रेशर और मे बी एन इन्फ्लुएंस कि आर वी रियली रेडी टू बी अ कार्बन न्यूट्रल कंट्री डू वी रियली नीड टू बी अ कार्बन न्यूट्रल कंट्री इस पूरे डिक्लेरेशन को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे आज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक आई फाउंड पर्सनली व्हेन आई वाज रीडिंग डिफरेंट आर्टिकल्स नाउ क्यों कहा जा रहा है मतलब यू नो वी ऑलवेज एक के सस्टेनेबल होना है हमको हमको 1.5 या 2 डिग्री सेल्सियस पे पेरिस एग्रीमेंट को फुलफिल करना है एंड देन कार्बन न्यूट्रल आल्सो वी नीड टू रिड्यूस द कार्बन इमिशन एंड सो मेनी थिंग्स वी वी नो दैट राइट लेकिन इंडिया कितना रेडी है कार्बन न्यूट्रल के लिए कितना हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं हमारे जो टारगेट्स हैं वो कितना कंट्रीब्यूट कर रही है ग्लोबल ग्रीन हाउस के इस इमिशन को रिड्यूस करने में और ऐसे में इंडिया की सिचुएशन चाहे वो इकोनॉमिकल ले लो चाहे सोशल ले लो चाहे वो ग्लोबल पोजिशन ले लो कार्बन न्यूट्रलिटी के लिए कितनी रेडी है इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे रिसेंटली क्या हुआ है कि एनर्जी एंड क्लाइमेट इंटेलिजेंस यूनिट है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने बोला कि थर्टी कंट्रीज ने ऑलरेडी ये डिक्लेयर कर दिया है और कुछ ऑलरेडी डॉक्यूमेंट कर रहे हैं कुछ प्रपोज कर रहे हैं कि कार्बन न्यूट्रल स्टेटस जो है वो अराउंड मिड सेंचुरी या फिर उसके बाद लाइक 2050 2060 2070 तक वो कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे नाउ कार्बन न्यूट्रल होना एक बहुत बड़ा टारगेट है और इसीलिए आपको बहुत लंबा टाइमलाइन दिख रहा है कि 2050 2060 तक तब तक आप और मैं शायद बूढ़े हो जाएंगे लेकिन बिकॉज दिस इज दिस दिस बिग थिंग सिर्फ एट ही आठ ही ऐसी फॉर्म्स हैं जिन्होंने ये चीज़ कन्फर्म करी है बाकी जो है अभी प्रपोजल में लेजिस्लेशन में या अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट में मैंशन में कर रहे हैं किसने इस चीज़ को इंश्योर नहीं करा है तो ऐसे में यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल यू एन एस जी जो हैं इन्होंने बोला है कि यार ये मतलब इट हैज़ टेकन द लीड इन टू स्पार्किंग ऑफ द इंटरनेशनल कोर्स की जो ग्लोबल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी बोल रही है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को अपनी की तरह बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज है स्पेशली इंडिया इनको भी इस चीज़ के लिए ज करना चाहिए कि आप भी अपना एक कार्बन न्यूट्रल टारगेट ले लो उसको अचीव करो कितना है है ये बिल्कुल सही बात है, करनी चाहिए बट वॉट अबाउट अदर थिंग्स मतलब ठीक है और पहले ये समझो कार्बन न्यूट्रल क्या होता है आई होप अगर आपने पहले का वीडियो देखा होगा तो आपको कार्बन न्यूट्रल का कॉन्सेप्ट समझ में होगा कि जितना आप कार्बन का इमिशन कर रहे हो उतना ही कार्बन का आप यहाँ पेक्वेस्टेशन पे, भी कर रहे हो मतलब प्लस एंड माइनस दोनों चीजें जो है हमारी वो हैंडल हो रही है तो ऐसे में तो दिस इज वॉट दिस इज कार्बन न्यूट्रलिटी लाइक हम लोग जीरो परसेंट जीरो क्यों हुआ ऐसा नहीं कि हम इमिट नहीं कर रहे लेकिन हम उतना ही एब्जॉर्ड या फिर सिक्वेस्ट्रेट भी कर रहे हैं कि एटमॉस्फेयर में से उतना निकाल भी लिया तो है तो उसको बोलते हैं कार्बन न्यूट्रल अभी इसका कर्सर कहीं चला गया आई के नॉट फाइंड द कर्सर ओके 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 आई गॉट इट सो सो मेरा नाम संतोष है अगर आप नहीं जानते हैं तो और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे लिटिल अंडर स्कोर सिंपल अंडर स्कोर पे सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं वीडियो का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा आप यहां से देख सकते हैं तो टेम्परेचर गोल क्या है पेरिस एग्रीमेंट के अंदर देखो आ, ये जो डिक, डिक्लेरेशन है ये सारे पेरिस एग्रीमेंट के स्टेटस से पेरिस एग्रीमेंट के अंदर एक टर्म है उस टर्म को लेकर काफी कंफ्यूजन है उसके बारे में कोई क्लियरिटी नहीं है तो उसी को लेकर आ रहा है कि इट इज प्रेम प्रेशराइजिंग द कंट्रीज इवन द डवलपिंग कंट्रीज ऑल्सो जिनमें अभी इस चीज़ की जरूरत या फिर बोले कि वो स्टेज पर नहीं पहुँची है कि वो कार्बन न्यूट्रल के बारे में सोचे पहले उस स्टेज पर पहुंचना होगा तो जो लॉन्ग टर्म टेम्परेचर गोल हमारा वन पॉइंट फाइव डिग्री एंड दैन टू डिग्री सेल्सियस का है तो ऐसे में पार्टीज का ये एम है कि ग्रीन हाउस केसेस की ग्लोबल पीक जितना जल्दी आ जाए फिर डिप आ जाए क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप अभी जिस स्टेज है ना उधर से नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगा एक पीक आएगी उस पीक के बाद में आप नीचे जाना स्टार्ट कर दो कि जो ये पीक है इसको जल्दी से जल्दी लेके आ जाओ ताकि हम लोग वी स्टार्ट डिक्लाइनिंग इन टू ग्रीन हाउस केस इमिशन थिंग और एग्रीमेंट में ये चीज़ रिकॉग्नाइज करा गया था कि जो डेवलपिंग पार्टीज हैं उनके लिए थोड़ा लेट आएगा क्योंकि वो अभी डेवलपिंग स्टेज में है उनको अभी उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो अभी डेवलप कर रही है दैट आल्सो फ्रॉम द ट्रेडिशनल वे रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो अभी इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम तो ऐसे के अंदर ये बात बोली गई थी कि हम एक एक बैलेंस अचीव करेंगे कि एंथ्रोपोजेनिक इमिशन मतलब आपका इंडस्ट्रियल से, व्हीकल से या किसी और एंथ्रोपोजेनिक तरीके से अगर ग्रीन हाउस केसेस का या कार्बन का इमिशन एटमॉस्फेयर में होता है तो सिमिलरली आप उसको सिंक करने के लिए उसको एटमॉस्फेयर में से निकालने के लिए भी आप कुछ ऐसे तरीके अपनाओगे तो वो डिफरेंट तरीके हैं कि इंडस्ट्रीज कुछ मेथड्स uh, अडॉप्ट करेंगी हमने अपना आराम फॉरेस्ट कवर भी इंक्रीज करने का डिसाइड कराया थर्टी थ्री परसेंट तक तो ये जो पूरा पेरिस एग्रीमेंट है ये तीन चीज़ों पे फोकस करता है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इम्पॉर्टेंट फॉर प्रम्स ऑल्सो इक्विटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इरिडिकेशन ऑफ पॉवर्टी वन बाई वन बात करेंगे इक्विटी का मतलब क्या हुआ कि चाहे वो डेवलपिंग हो चाहे डेवलप्ड कंट्री हो चाहे वो अपर um, इनकम के अंदर आती हो चाहे वो लोअर इनकम रेंज के अंदर आती हो सबको बराबर मौका मिलेगा और बराबर मौका मिलने का बात ये नहीं है कि अगर डेवलप्ड कंट्री को स्टेज कोई अगर अपना डिसीजन ले रही है तो डेवलपिंग कंट्री भी उस चीज़ के लिए प्रेशराइज होगी कि उनको भी लेना है क्या क्योंकि अभी वो उस लेवल पर पहुंचे ही नहीं है डेवलप्ड कंट्री ऑलरेडी इस लेवल पर है डेवलपिंग कंट्रीज अभी यहाँ पे है तो ऐसे में आप दोनों में इक्वालिटी नहीं लेके आ सकते ना या तो इनको थोड़ा नीचे आना पड़ेगा या इसको थोड़ा ऊपर आना पड़ेगा जब ये सिमिलर प्लेटफॉर्म फॉर्म पे आ जाएंगे तभी बात करो तो आप जो टारगेट ले रहे हो डोंट डोंट जस्ट अज्यूम कि डेवलपिंग कंट्रीज भी वो टारगेट ले लेगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब आप जानते हैं कि ऐसा नहीं इकॉनमी ग्रोथ को रोक दो लेकिन एनवायरनमेंट को साथ में लेके सस्टेनेबल डेवलपमेंट को साथ में लेके हमको आगे बढ़ना है एंड देन इरिडिकेशन ऑफ द पॉवर्टी आल्सो बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज जो है चाहे अफ्रीका ले लो चाहे एशियन कंट्रीज ले लो चाहे लेटिन अमेरिकन ले लो इनके अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है इसका मतलब यह कि उन कंट्रीज को एम्प्लॉयमेंट की ज्यादा जरूरत है और मैक्सिमम आप देख सकते हो कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो एग्रीकल्चर से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रियल एंड देन सर्विस की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो ऐसे के अंदर ज्यादा प्रोडक्शन होगा ज्यादा इंडस्ट्रीज की डिमांड होगी ज्यादा कंज्यूमर होगा तो ये जो डिमांड एंड सप्लाई गैप है इसको फिल करने के लिए इंडस्ट्रीज को ज्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा दैट मीनस कार्बन इमिशन ज्यादा होगा न वो बात आती है कि या तो आप अपना पूरा ट्रेडिशनल मेथडोलॉजी ऑफ इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज का है उसको पूरा चेंज करके रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आ जाओ अदरवाइज आप एक बहुत बड़ा ग्रीन अपना कवर जो है उसको इंक्रीज कर लो टेम्परेचर गोल दिया गया था कि हमको टू टू डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर लिमिटिंग जो टेम्परेचर है वो दो डिग्री से ऊपर नहीं होना चाहिए 1.5 डिग्री से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था कि प्री प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री पर रिस्ट्रिक्ट करें इसको ऐसे में जो बैलेंस ऑफ इमिशन एंड बैलेंस ऑफ रिमूवल ऑफ ग्रीन हाउस केसेस है कि इंडस्ट्रीज या वहीकल या एंथ्रोपोजनिक कॉट से कितनी ग्रीन हाउस केसेस एटमोस्फियर में एडिशन होती है और उसी एडिशन को हमको यहाँ से रिमूव करना है यहाँ से तो ये जो बैलेंस है ये कंट्री वाइज बेसिस पे नहीं है बल्कि

इम्फेसिस करेगी इस पर थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट करेगी क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है वो अभी स्टेज में नहीं है तो पेरिस एग्रीमेंट ने ये क्लियरली इंडिकेट कर दिया था कि जो इक्विटी और डिफ्रेंसिएशन है मतलब देखो इसमें क्या बताया ये तो बताया इक्विटी और इक्विटी में मैंने अभी क्या बात करी कि डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज यहाँ पे जब तक की एक लेवल पर नहीं आ जाती यू कैनॉट टॉक अबाउट इक्विटी तो ऐसे के अंदर फिर यही एक एक आ, तरीका निकल के आता है कि जो इक्विटी एंड डिफ्रेंसिएशन है वो कंसिड्रेशन के आएगा और ये ग्लोबल गोल है ठीक है तो जो ग्लोबल गोल है उसी के अंदर अपने को कार्बन न्यूट्रैलिटी लेके आनी है ये ऐसा नहीं है कि इस यूरोप के नेशन ने इस चाइना का है ये ये इसका ब्राज़ील का होगा या साउथ अफ्रीका का इंडिया का टारगेट होगा दैट इज गुड इफ यू आर गिविंग दैट इज गुड बट दैट इज नॉट वट इज रिटर्न इन टू द एग्रीमेंट ऑल्सो तो करंट प्लेजेस क्या फॉल शोट हो रही है ना मतलब अभी अभी देखो आपकी ये थ्री uh, वे जो कंपैटिबिलिटी की हम बात करें ना कि टेम्परेचर गोल भी हमको अचीव करना है कार्बन न्यूट्रलिटी भी हमको अचीव करनी है इक्विटी भी हमको अचीव करनी है नाउ इट इज़ नॉट गारंटेड ओके लेकिन ये भी मतलब बहुत सारी रिपोर्ट में ये है कि जो टारगेट लिए गए हैं ठीक है और जो एफर्ट्स पुट कर रही हैं कंट्रीज वो वो सफिशेंट uh, नहीं है 1.5 डिग्री टेम्परेचर गोल को अचीव करने के लिए इवन 2 डिग्री सेल्सियस वाला भी अगर अचीव हो जाए ना जितनी करंट प्लेजेस हैं वो भी बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि करंट प्लेजेस हाईली इन एडिक्एट है उस गोल को अचीव करने के लिए आईपीसीसी का एक पैनल था उन्होंने स्पेशल रिपोर्ट दी थी ऑन द ग्लोबल वार्मिंग ऑफ वन डिग्री तो उन्होंने बोला कि जो कार्बन बजट है ग्लोबल कार्बन बजट क्या होता है इस टर्म को एक बार समझो ग्लोबल कार्बन बजट आपको मान लो कि आपको पता है कि वन पॉइंट मतलब यू नो दिस इज लाइक कि मॉडल्स एंड मेथड्स से ये चीज़ प्रिडिक्ट कर ली जाती है कि अगर एटमॉस्फेयर के अंदर इतना अमाउंट के अंदर इतना मेट्रिक टन के अंदर सी ओ टू हुआ तो टेम्परेचर इतना राइज हो जाएगा ये चीज़ पता होती है साइंटिस्ट लोग रिसर्च करते हैं तो वन पॉइंट फाइव डिग्री तक पहुँचने के लिए अज्यूम करो मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ चलो एग्जाम्पल नहीं देते हैं अभी हम रियल डेटा यूज करते हैं तो वन पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस मतलब इतना हमारा जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए हमको आ, कितना चाहिए फोर्टी फोर एटी फोर एटी गिघटन राइट नहीं ओके मैं आपको सिर्फ सिंपल एक प्लेन एग्जाम्पल देती हूँ 1.5 डिग्री हम कन्फ्यूज नहीं हो इसलिए ठीक है 1.5 डिग्री तक पहुंचने के लिए माना कि मेरे को 100 मेट्रिक टन का CO2 या जो ग्रीन हाउस की सी है ये ग्रीन हाउस गैस इमिशन ये चाहिए हंड्रेड मेट्रिक टन अगर एटमोसफियर के अंदर हो गई ग्रीन हाउस गैसेज मतलब वन डिग्री पहुंच गया है और अभी जो मेरा करंट है वो है मेरा सिक्सटी सिक्सटी मेट्रिक टन ग्रीन हाउस गैसेज मेरी एटमोसफियर में ऑलरेडी है तो ये जो गैप है ना बिटवीन कि आप भाई 1.5 डिग्री पे पहुंच जाओगे अगर आपने 40 मेट्रिक टन या गीगा मेट्रिक टन या वॉट एवर द अगर आपने इतना और एटमॉस्फेयर में इमिट कर दिया तो आपका टेम्परेचर 1.5 डिग्री हो जाएगा और इसके बाद और भी कम लगेगा ये कार्बन इमिशन को कि ये दो डिग्री पे भी पहुंच जाएगा तो ये जो 40 डिग्री है इसको हम बोलते हैं कार्बन ग्लोबल कार्बन बजट इतना कार्बन आप और इमिट कर सकते हो उतनी आपको परमिशन है तो अपना टारगेट तक पहुंचने के लिए तो इसमें 50 परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि 1.5 डिग्री तक टेम्परेचर को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए 480 एटी टन ही चाहिए इससे ज़्यादा मतलब अभी आपका आपके पास आपके जो बजट मतलब जो फोर्टी मेट्रिक टन की हम बात कर रहे थे ना वो फोर्टी मेट्रिक टन हमारा चार सौ अस्सी टन है एटमोसफियर में चार सौ अस्सी टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्वेलेंट आने पर टेम्परेचर वन पॉइंट फाइव जाएगा अभी जो करंट इमिशन रेट है वो है हमारी बयालीस गीगा टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्वेलेंट मतलब हर साल हम बयालीस गीगा टन इमिट कर रहे हैं लिमिट हमारे पास विंडो कितनी है 480 की तो आप इस बयालीस को हर साल ऐड करो तो आपको लगेगा कि 12 साल के अंदर ये जो विंडो है 480 सौ हम पहुंचा देंगे मतलब 12 साल के अंदर ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाएगा तो ऐसे में इस 480 गीगा बजट को गीगा टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्वलेंट बजट को मेंटेन करने के लिए हमको एक स्टडी लीनियर रेट भी चाहिए कि ये जो इमिशन कर रहे हो ना इसको रिड्यूस करो और ऐसे में ग्लोबल कार्बन न्यूट्रलिटी दो तक पहुंचनी जरूरी है और जो मिनिमम टारगेट लिया गया है वो है दो का पूरा समझ आया आपको दो हजार दो हजार नहीं चार सौ अस्सी गीगा मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्वेलेंट जो आपका टेम्परेचर इंक्रीज करती है उतना आपके पास विंडो है इतना करोगे इतना ही कर सकते हो नहीं तो 1.5 तक पहुंच जाएंगे हम और बयालीस गीगा टन हर गीगा टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्वेलेंट हर साल इमिट हो रही है तो कैलकुलेशन करेंगे तो 12 साल के अंदर वो विंडो खत्म हो जाएगी तो हमने टारगेट जो लिए हैं हैं वो हमारे है, 2035 के के 2040 तो ऐसे में ये जो टारगेट है कैसे अचीव होंगे और दूसरा कार्बन न्यूट्रलिटी के साथ अगर हम माने कि भाई हम कार्बन न्यूट्रलिटी कर लेंगे कि हम एटमोसफेयर में से रिमूव करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसेस को तो वो आपको दो तक ही करनी होगी नहीं तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो फिफ्टी परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि जो टेम्परेचर है वो दो डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा और दो डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने में हमारे पास विंडो है चौदह सौ गीगा टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट की और ये तो, तो मतलब यू नो दिस गिव्स यू कि आप दो डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने में आप कर सकते हो लेकिन जो टारगेट लिए गए हैं उनके बारे में क्या अगर आप यूएस के इमिशन की बात करो हम लैंड यूज लैंड चेंज की बात नहीं करते हैं जो 2005 में पीक पे पहुंच चुका है यूएस का कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन पीक पे पहुंच चुका है, और जो की है, वो 1. 1 है 2017 तक 1.1 डिग्री थी उसके बाद दो का, का था और एट हाइट ऑफ द रिसेशन और वो भी तब रिसेशन चल रहा था बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी तब जो एनुअल रिडक्शन इन ग्रीन हाउस केसेज है वो सिक्स था अदरवाइज वन की एवरेज रेट से रिड्यूज हो रहा है अगर यूएसए मान लो फॉर एग्जाम्पल इन एन आइडियल कंडीशन यूएसए अगर 2050 तक नेट जीरो इमिशन तक पहुंच भी जाता है तो भी इसका जो क्यूमुलेटिव इमिशन है 2018 से 2050 में वो है 106 गीगा टन कार्बन डाइऑक्साइड का और इसमें से 22 जो है ये देखो विंडो है 480 गीगा टन की और इसमें से 2018 से 2050 में 106 तो सिर्फ यूएसए की तरफ से इमिट हो जाएगा तो ऐसे में बाकी कंट्रीज क्या करेंगी बाकी कंट्रीज को मतलब अभी आप समझ रहे हो कि आपको जो इमिशन है इंडिया का स्टोरी अलग है तो यूएसए को अपना फेयर शेयर उनको ये पता है कि उनका जो रिमेनिंग है एक सौ टन कार्बन डाइऑक्साइड विद दिस डिक्लाइनिंग रेट आप 2050 तक कर दोगे तब भी आप नेट जीरो इमिशन पे पहुंचोगे 2025 तक यूएसए अगर आप पूरा कैलकुलेशन लगाओ कि एक कार्बन जो एक टन कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्राइस है अगर हम वो ग्लोबल मार्केट के हिसाब से डॉलर का माने और ये मैं ले रही हूँ जो कार्बन बैलेंस हमारा होता है उससे उसको अगर आप कन्वर्ट करोगे इसको कैलकुलेट करो 106 से तो आपका आएगा चौदह ट्रिलियन डॉलर इज लाइक यूएसए गवर्नमेंट गवर्नमेंट ओन्स ट्रिलियन डॉलर टू 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 वर्ल्ड गर्ल्ड है की चार सो सत्तर गीघा टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्वेलन टू द वर्ल्ड का जो यूएसए पे डेट है दिस इज लाइक शुड इन्वेस्ट इन इन कार्बन न्यूट्रेलिटी और सस्टेनेबल वे सिमिलरली यूरोपियन यूनियन की भी यही बात है तो ये बात करें हम डेवलपिंग कंट्रीज की जो ये बोलते हैं कि हम कार्बन न्यूट्रल पहुंच रहे हैं आप क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? तो भाई अपना इमिशन तो देखो इमिशन आपने यूएसए का देख लिया यूरोप का एग्जांपल ले लिया कम टू और ये यूरोप का भी जो है ये एटलीस्ट 71 गीगा टन कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर है ये बात हो गई यूरोप वन इसकी इंडिया का क्या स्टेटस है इंडिया को ये गेम ये आर्टिकल पूरा यही बोल रहा है कि इंडिया को ये जो कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव करने वाला गेम है ना इसको डिक्लेयर करने की इसको ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है कतई जरूरत नहीं है आप अपने डेवलपमेंट पे फोकस करो पहली चीज़ है आपका जो एस्परेशनल गोल है ना कि हम सस्टेनेब कर रहे हैं ना हम हम लोग फ्यूचर लो कार्बन डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी कर रहे हैं जो अभी हालांकि हाईली अनसर्टेन है बट इंडिया का कार्बन फुटप्रिंट भी बहुत कम है रीज़न की पॉवर्टी है डिप्रिवेशन है मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन में और पेरिस एग्रीमेंट का एक था कि एलिवेशन ऑफ द पोवर्टी ऑल्सो पोवर्टी को हटाना है तो ऐसे के अंदर आप सस्टेनेबिलिटी कैसे लेके आओगे अगर आपके यहाँ पे इक्विटी और पॉवर्टी एलिवेशन भी नहीं है तो यही बोल रहा है कि और दूसरा इंडिया ना जैसे यूएसए और यूरोपियन यूनियन एक कार्बन डेट ओन करते हैं वर्ल्ड को कि वो इतना कार्बन खुद से इमिट कर रहे हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज तो आ ही नहीं रही है टर्न में तो ऐसे के अंदर इंडिया का तो है ही नहीं इंडिया का जो इमिशन है वो पूरे ग्लोबल कम्यूनिटी का थ्री पॉइंट फाइव परसेंट भी नहीं है एंड दैट ऑल्सो प्रायर टू नाइनटीन फिफ्टी दो हजार अठारह में पांच परसेंट है विच इज़ वेरी लो ना ही इंडिया का जो करंट एनुअल इमिशन है वो सीरियसली डेंट हुआ है कि इमिशन गैप हमारा बहुत ज्यादा है कि कितना वर्ल्ड को चाहिए और हमारा करंट एफर्ट कितना है हमारा जो एफर्ट है इंडिया का मिटिगेशन एफर्ट वो दो परसेंट टारगेट के हिसाब से क्वाइट कम्पेटिव है। हम अपने टारगेट पे चल रहे हैं तो ऐसा सेल्फ सेक्रीफाइसल डिक्लेरेशन करना कार्बन न्यूट्रलिटी का जबकि करंट इंटरनेशनल सिनारियो बोल रहा है कि इट इज वेस्टेड जेस्चर जो आप जो ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये अपना बर्डन डेवलपिंग कंट्रीज पर डाल रही है उनको इस चीज के लिए प्रेशराइज या फिर पियर प्रेशर बोल लो इसको कि आप सेल्फ डिक्लेरेशन आप कार्बन न्यूट्रलिटी पर ध्यान दो अरे भाई पहले हमारे सस्टेनेबिलिटी इक्विटी एंड पॉवर्टी एलिवेशन पे ध्यान दो ये तीन मेजर टारगेट है हमारे पेरिस एग्रीमेंट के तो इंडिया का जो ये ट्विन बर्डन है कि लो कार्बन डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी लेके आओ क्लाइमेट की थी जो अडेप्शन टू द क्लाइमेट इम्पैक्ट इनको लेके आओ ये सारे इतनी जरूरत नहीं है नो डाउट की दे दे रिक्वायर सीरियस कंसर्न्स दे रिक्वायर्ड सीरियस एक्शंस लेकिन इंडिया इवेंचुअली अपने नेट जीरो इमिशन पे पहुंच ही जाएगा बट मिनवर इंडिया को ये जो ये जो प्रेशर आ रहा है या फिर ये जो ऑप्शन आ रहे हैं कि लो डेवलपमेंट ट्रैप में चले जाओगे ये जो स्टूडो साइंटिफिक नेगेटिव हैं इनको रिजेक्ट करना चाहिए फोकसिंग ऑन दी लो कार्बन लो कार्बन टेक्नोलॉजी रिन्यूएबल डेवलपमेंट इंक्रीजिंग अवर फॉरेस्ट कवर इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना इज वे मोर इंपॉर्टेंट देन गोइंग फॉर द कार्बन न्यूट्रलिटी क्योंकि अभी हम उस डेवलपिंग स्टेज के अंदर है ही नहीं कि हम उस कार्बन न्यूट्रलिटी के अंदर अचीव करें हम एफर्ट्स डाल सकते हैं पर्टिकुलरली इन सम इंडस्ट्रीज वी शुड पुट अवर एफर्ट्स बट हमको एक ऐसा टारगेट गोल नहीं लेके आना चाहिए क्योंकि देखो हम उस हालात में है नहीं तो हमारे ग्लोबल लेवल पर बेजपती हो जाए इससे अच्छा है कि हम वो टारगेट ना बनाए हमारा जो टारगेट है उसको हम अचीव करें हम सेंइंग दिस वेरी फ्रेंकली बिकॉज वी डोंट हैव दिस दिस टेक्नोलॉजी वी डोंट हैव दिस इकोनॉमी एट तो दिस वॉज दिस केस कार्बन न्यूट्रालिटी वाली फाइट से बाहर निकलना है हमको करना है हमको लेकिन हम उसको पूरा एकदम ऐसे टारगेट लेके नहीं करेंगे वी आर डूइंग इट एट अवर ओन पेस और हमारा जो कार्बन इमिशन uh, है वो भी इतना ज्यादा नहीं है डेवलप डेवलप्ड कंट्रीज के तरह डेटा हमने देख ही लिया है तो वी कैन डू द कंपैरिजन कि कहाँ पे 22 परसेंट और कहाँ पे 5 परसेंट की बात करें इवन दो वी आर द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड सो ये बस ये कंपेरिजन की बात करनी थी कि कार्बन न्यूट्रलिटी के रेस के अंदर हमको बिना मतलब के धक्के खा के अंदर नहीं आना है वीडियो का पी जो है आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना अगर आप मुझे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे जुड़ भी सकते हैं इसके साथ ही इतना ही लेकिन इस इस सीरियस टाइम के अंदर प्लीज़ अपना ध्यान रखिए अपने घर वालों का ध्यान रखिए खुद को मोटिवेटेड रखिए दिस इज़ अ सिचुएशन विच इज़ वेरी वेरी टफ फॉर एवरी वन ऑफ अस बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे अपने लोगों को खोया भी है तो ऐसे में हमको स्ट्रॉन्ग रहना है कि हमको इस काउंट को डिक्रीज करना है ठीक है अपना ध्यान रखिए मास्क पहनिए डबल मास्क पहनिए आई नो कि दिक्कत होती है सांस लेने में कान भी दर्द होता है सबका होता है लेकिन यकीन मानिए देखा है मैंने भी कि लोग किस तरीके से ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं एंड ट्रस्ट में यू डोंट वांट टू सी दैट यू रियली डोंट वांट टू सी दैट तो ऑक्सीजन के लिए तड़पे इससे अच्छा है कि कानों को थोड़ा ज़्यादा मजदूरी करवा लें तो अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद